What's up? This is Deepthi and welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. Actually, तो आपको पता चल ही गया होगा मैं आज स्टीयरिंग पे बैठी हूँ तो आज हम करने वाले हैं हमारी गाड़ी का ओनर रिव्यू जो किया सोनेट HTX IMT का. तो एक्चुअली मैंने ये गाड़ी बहुत बार चलाई है और इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही कमाल का है. लेकिन गाड़ी के पूरे फीचर्स एंड ड्राइविंग पूरा मतलब इन डिटेल ड्राइविंग एक्सपीरियंस हम पूछेंगे उस जनाब से जिन्होंने इस गाड़ी को शोरूम से निकालते ही जस्ट दूसरे ही दिन 1000 किलोमीटर की राइड पे गए थे. एंड अभी तक तो गाड़ी की 2000 किलोमीटर तक तो राइड हो चुकी है. सो मिलते हैं रुपेश से. हाय गाइस, जैसे इसने आपको बताया कि गाड़ी की डिलीवरी मिलते ही नेक्स्ट डे हम कोकण के रोड ट्रिप पे गए थे तो ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर का रोड ट्रिप था वो. तो उसी टाइम हमें गाड़ी के बारे में सारे फीचर्स के बारे में हमारा एक जो एक्सपीरियंस आया है वो एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. तो हमने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहले पार्ट में हम आपको सारे फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और सेकंड पार्ट में हमारा खुद का एक्सपीरियंस प्लस जब भी कोई किया सोनेट खरीदने जाता है तो उसके माइंड में जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर मिल जाएंगे. तो आप इस वीडियो के एंड तक देखना और अगर हमसे कोई क्वेश्चन मिस हुआ है तो वो कमेंट्स में डाल देना, हम उस क्वेश्चन का भी आंसर कर दें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रुपेश, हम इनको बता देते कि हमारा परचेस एक्सपीरियंस कैसा रहा है. राइट, लास्ट वीडियो में तो देखा ही होगा कि हमने गाड़ी बुक की थी 14th October को और हमें डिलीवरी मिली थी 22nd December को. तो एग्जैक्टली 2 महीने और 8 दिन का हमारा वेटिंग पीरियड था. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड मतलब परचेस एक्सपीरियंस में क्या रहता है, पहले आपको गाड़ी बुक करनी थी, 25,000 अमाउंट देके हमने पहले गाड़ी बुक की थी. फिर उसके बाद गाड़ी अलॉट होती है हमें. जब गाड़ी अलॉट होती है उसके बाद आपको बाकी का पेमेंट करना होता है, फाइनेंसिंग हो या अपना खुद का पेमेंट हो वो पेमेंट करना होता है. और उसके बाद फिर एक 8 दिन का पीरियड मिलता है जिस पीरियड में आपको आपकी गाड़ी अलॉटेड रहती है. उस पीरियड में आप अगर पे कर देते हो तो गाड़ी आपको मिल जाएगी, नहीं तो गाड़ी नेक्स्ट जो भी वेटिंग में होगा उसको दी जाती है. तो मोस्टली तो सब लोग करते ही है. तो ये रहता है प्रोसेस. लेकिन इस ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या रहता है, अभी किया सोनेट का वेटिंग बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए क्या हो रहा है कि जैसे हमने गाड़ी बुक की थी 14th October को तो उसके बाद हम एक्चुअली सोच रहे थे कि दिवाली में मिलेगी, नवंबर में, अराउंड 15 November. तो 1 महीने का वेटिंग पीरियड हम सोच रहे थे. फिर उन्होंने बोला कि उसने बोला था कि मिलेगी, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती. फिर उसके बाद हम मतलब दिवाली में भी नहीं मिली, उसके बाद भी नहीं मिली. तो परचेस एक्सपीरियंस के बारे में मैं एक एडिशनल चीज़ ये बतानी है मुझे कि वेटिंग करना लगता है उतना, सब लोग बोल रहे हैं कि 2 महीने का वेटिंग है, 3 महीने का वेटिंग है, तो मतलब पता है फिर भी वो फील करना इज़ अ डिफरेंट थिंग. तो 10 दिन होने के बाद हम सोचते हैं कि एक बार फ़ोन कर लेता हूँ, आई कि नहीं. फिर 30 दिन बाद, फिर 40 दिन बाद. तो हमने हमारे डीलर को कम से कम 30-40 बार फोन किया रहेगा कि आएगी कि अब बताओ भाई. हाँ, हमारे साइड में ही शोरूम में आपको पता है, फोन कॉल. तो वहाँ जाके भी हम आ रहे थे एक्सट्रीमली, मतलब एक एक्सट्रीम कंडीशन में. हमने तो उनको धमकी भी दी थी कि हम यार अब इतना वेट कर रहे हैं, गाड़ी की बुकिंग कैंसिल करके हम दूसरी गाड़ी मैग्नाइट वगैरह बुक करते हैं. लेकिन गाड़ी तो इतनी अच्छी लेनी तो थी, लेकिन अभी वही परचेसिंग पावर उनके हाथ में है, निगोशिएशन पावर उनके हाथ में है ना, भी नहीं मिल रही है. 3 महीने का वेटिंग है ही. तो दैट वाज आवर परचेसिंग एक्सपीरियंस विच कुड हैव बीन गुड. एक एडिशनल चीज़ ये है कि जैसे ये भी मुझे बोल रही थी कि गाड़ी की ट्रैकिंग नहीं होती है हमारे वेटिंग की. जैसे हम बोल रहे थे कि हमारा नंबर कौन सा ये तो बताओ वेटिंग लिस्ट में, जैसे 5th है, फिर 4th हुआ, 3rd हुआ, ऐसी ट्रैकिंग कहीं पे भी नहीं होती है गाड़ी की. तो ये एक मुझे बुरी चीज़ लगी कि एटलीस्ट ओनर मतलब जिसने भी बुक की है ही शुड नो कि आपका नंबर कितना है और एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम कितना है, लेकिन वो नहीं मिलता है. तो दैट वाज आवर परचेसिंग एक्सपीरियंस अबाउट इट. एक्चुअली वेटिंग पीरियड के बारे में बता ही दिया, लेकिन प्राइस के बारे में कुछ बता दो. तो हमारी HTX IMT का प्राइस ऑन रोड 11.52 था जब हमने बुक किया था. तो उसमें एक्सटेंडेड वारंटी अराउंड 15,000-18,000 का एक्सटेंडेड वारंटी था वो ऐड हुआ, और एक्सेसरीज का भी एक 20,000 का कुछ उनका था जो हमने पूरा नहीं लिया, उसमें से कुछ सिलेक्टिव एक्सेसरीज लिए हैं हमने. तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट वॉज अराउंड 11,75,000 के आसपास हमारा फाइनल कॉस्ट था, जिसमें एक्सटेंडेड वारंटी भी इंक्लूडेड था. मतलब एक्स शोरूम प्राइस प्लस RTO प्लस इंश्योरेंस प्लस एक्सटेंडेड वारंटी एंड एक्सेसरीज का कुछ मिला के अराउंड 11,75,000 तक का हमारा ओवरऑल कॉस्टिंग था गाड़ी का. और ये हमने फिनेंस किया था, तो आई हैव लाइक हमने अराउंड 2.5 हमने खुद भरा था, और बाकी का जो प्री अप्रूव्ड लोन था मेरा, तो विद दैट हमने किया के शोरूम में ही HDFC के बंदे थे उनसे ही हमने हमारा फिनेंस करवाया था.
अभी बात करते हैं गाड़ी के फर्स्ट इम्प्रेशन की। तो दोस्तों आपको भी पता है कि गाड़ी देखते ही सबको अच्छी लगती है ये, तो और देखते ही इसका प्रीमियम फील आता है कि ऐसा देख के ऐसा लगता ही नहीं कि ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, ऐसा लगता है किसी ये अपर सेगमेंट की गाड़ी है। इतना रिच फील है इसका और इसके फीचर्स भी इतने मतलब फीचर से लोडेड है ये गाड़ी पूरी। और तो मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन में ही इसे देखते ही गाड़ी सबको गाड़ी से प्यार हो जाएगा। अभी बात करते हैं गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी की। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि गाड़ी सेफ है क्या, मतलब बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो ये गाड़ी इज बिल्ट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म जो ह्यूंडई अपने वेन्यू या क्रेटा के लिए यूज़ करती है। तो इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप इसका ऐसे बोनेट उठा के देखोगे सीधा सिर्फ तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब कितना हेवी है। और तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। इट इज़ एक्सट्रीमली वेल बिल्ट और मस्कुलर है, तो आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस बिल्ड क्वालिटी। तो एक्चुअली मुझे DM करके बहुत लोगों ने पूछा कि भाई IMT कि आपने मैनुअल गाड़ी क्यों नहीं ली। तो वाई IMT वॉज अ सिंपल डिसीजन फॉर मी। हम क्या करते हैं मोस्टली गाड़ी तो हम सिटी में ही चलाते हैं। हम दोनों ने मैनुअल गाड़ी बहुत चलाई है, हम दोनों का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है मैनुअल गाड़ी का और ड्राइविंग हमारी अभी परफेक्ट हो गई है मतलब। तो हमने सोचा कि हमें अभी गाड़ी सिटी में ही चलानी है तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेटर होगा, तो हमने IMT यूज़ किया। तो IMT इज़ इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। तो मैनुअल में क्या है, मैनुअल में आपको गियर बॉक्स भी मिलेगा और यहाँ पे क्लच भी मिलेगा। और ऑटोमेटिक में क्या है, आपको क्लच तो नहीं मिलेगा और गियर बॉक्स में भी दो तीन ही मोड होते हैं जैसे पार्किंग मोड या ड्राइव मोड। लेकिन ये IMT का फीचर क्या है, इसमें क्लच तो नहीं है, ये क्लचलेस है और एडिशनली आपको मैनुअल जैसा गियर बॉक्स भी है। तो मतलब कंट्रोल आपके हाथ में है कि आपको कब गियर चेंज करना है, कब शिफ्ट करना है, लेकिन विदाउट क्लच के झिकझिक के। तो क्लच से क्या होता है, जैसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में क्लच से यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट काम है, लेग पेन भी हो सकता है या फिर गाड़ी बंद भी पड़ती है मतलब जो भी नए ड्राइवर है उनकी। तो मतलब मोस्टली आपका ये पूरा टेंशन हट जाता है क्लच का। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया जब हम गए थे कोकण की ट्रिप में। तो कोकण की ट्रिप में कि घाट्स में गाड़ी चलाई हमने इतनी, फिर भी कहीं पे भी मुझे क्लच का यूज़ नहीं करना पड़ा, गाड़ी कहीं बंद नहीं पड़ी या फिर कहीं भी मेरा लेग पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 1000 किलोमीटर इन 3-4 days आई ड्रोव, बट फिर भी इट वॉज अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस जहाँ पे हमें कहीं, इसीलिए हमने IMT सिलेक्ट की। सो अभी बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की। सो हम विल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमें सबसे अच्छी लगी है, दिस इज़ कॉल्ड टाइगर नोज, इसलिए हमने इस गाड़ी का नाम भी वाइट टाइगर दिया है। तो ये टाइगर नोज है। फिर यहाँ पे HTX मॉडल में LED हेडलाइट्स है और फॉग लैम्प भी है, प्रोजेक्टेड फॉग लैम्प जो हेलोजन है। सो LED हेडलाइट्स के साथ हेलोजन फॉग लैम्प मिलते हैं। गाड़ी के टायर्स भी बहुत बड़े हैं और ये एलॉय व्हील्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कवर एलॉय व्हील का फील देता है। और मुझे ये फिनिशिंग बहुत अच्छी लगी, ये पूरी ब्लैक क्लैडिंग दी है इन्होंने फिनिशिंग में। यहाँ भी एक क्रोम का ये दिया है, सो विच इज़ गिविंग अ रिच लुक टू द कार। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो ये इस मॉडल के आगे आपको क्रोम हैंडल्स मिलेंगे। K+ तक आपको इसी वाइट कलर में, बॉडी कलर में मिलते हैंडल्स, लेकिन इसमें आपको क्रोम में मिलेंगे। ये वाइजर से एक्सेसरीज में हमने लिया है एडिशनली, ये गाड़ी के साथ नहीं आता है, इन्हों डोर वाइजर से। फिर अभी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाड़ी का जो पीछे से लुक आता है ना, वो बहुत ही ऑसम आता है बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पे भी आपने LED लाइट्स दिए हैं, पूरी पट्टी LED टाइप की आती है, इससे बहुत ही गाड़ी का लुक बहुत ही अच्छा बन रहा है। और ये भी एडिशनल है, ये जो वाइट फाइबर दिख रहा है आपको सिल्वर कलर में, ये सिर्फ HTX मॉडल में आता है, HTK+ में यहाँ नहीं आता है। तो इससे भी HTX मॉडल का लुक एडिशनली बेटर बन जाता है। ये जो टेल लैम्प आप देख रहे हो, ये हार्ट बीट शेप टेल लैम्प बोलते हैं इसको, ये अलग अलग है, इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूस। ये आपको ऐसा अच्छे से हार्ट बीट शेप का फील देगा। और जब आप ब्रेक लगाते हो तो ये ब्रेक लाइट लगता है, दिस दिस एंड दिस। और ये डिसेंट से रूफ रेल्स और एंटीना भी दिया है, तो विच कम्प्लीट्स द एक्सटीरियर लुक ऑफ द किया सोनेट। गाड़ी के पीछे दो पार्किंग सेंसर्स भी है, गाड़ी के आगे सेंसर्स नहीं है इस मॉडल में, दो ही सेंसर्स हैं जो पीछे है। और एडिशनली पीछे इन्होंने डीफॉगर दिया है लेकिन रियर वाइपर नहीं है,
जो मुझे लगता है कि होना चाहिए था, दैट इज वन थिंग दैट आई डिडंट लाइक, बट डिफॉगर। हां गाइस, मुझे हमारी गाड़ी का सबसे अच्छा जो फीचर लगा कि ये कीलेस है। HTX के आगे के जो भी मॉडल है ना, वो सबको, उन सबको उन्होंने कीलेस का फीचर दिया है, सो वो मुझे अच्छा लगा। इस कीलेस फीचर में क्या है, आपको कहीं पे भी गाड़ी की चाबी कहीं इंसर्ट नहीं करनी है, आपको सिर्फ चाबी साथ में रखनी है। जैसे लेट से मैंने यहाँ चाबी रख दी और सिर्फ मैं अगर इस गाड़ी को बटन से स्टार्ट कर सकता हूँ तो गाड़ी इट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली, बंद हो जाएगी। सो गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं अभी। तो गाड़ी का इंटीरियर दो कलर में आता है, ऊपर का पार्ट ब्लैक है और नीचे बीज कलर है, विच इज गिविंग अ वेरी नाइस लुक टू द इंटीरियर्स, क्योंकि दो कलर में है। HTK प्लस तक पूरा ब्लैक आता है, सीट्स आर ऑल्सो ब्लैक, एवरीथिंग इज ब्लैक, लेकिन यहाँ पे जो बीज एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है विच इज गिविंग अ रिच लुक टू द गाड़ी। LED स्क्रीन है, LED स्क्रीन के साइड में ये जो बटन्स है ये HTX मॉडल तक है, इसके ऊपर के मॉडल में ये पूरा ही स्क्रीन है, विच इज द थिंग आई डिडेंट लाइक, कि ये बटन इनको नहीं देने चाहिए थे। इवन इफ इट ओनली इतना ही स्क्रीन देना तो था तो भी चलता, लेकिन ये बटन से थोड़ा सा शो मुझे लग रहा है खराब हो रहा है, लेकिन विच इज ऑल्सो वेरी ग्रेट लुक। ये लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील दिया है HTX मॉडल में, और यहाँ पे ऐसा फ्लैट है विच इज नॉट फुल्ली राउंड। HTK प्लस तक फुल्ली राउंड आता है, लेकिन इसके ऊपर के मॉडल्स में ये फ्लैट आता है और लेदर रैप्ड है। नॉब भी लेदर रैप दिया है, इससे बहुत ही रिच लगता है ये गियर बॉक्स। ये जो स्पीडोमीटर और टैकोमीटर है ये डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन दिया है। यहाँ पे स्पीडोमीटर इज डिजिटल एंड ये जो RPM का टैकोमीटर है वो एनालॉग ही है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए हैं जहाँ से आप डिफरेंट टाइप के मोड्स चेंज कर सकते हो, और आपके साउंड के कंट्रोल भी स्टीयरिंग माउंटेड है, और आपके यहाँ मोड्स के कंट्रोल भी स्टीयरिंग माउंटेड है। दिस बटन इज अबाउट क्रूज कंट्रोल विच इज अ एडिशनल फीचर ऑफ HTX। सो क्रूज कंट्रोल से क्या होता है, अगर आप हाईवे पे चला रहे हो आपको कांस्टेंट 80 का स्पीड मेंटेन करना है तो आप 80 के स्पीड पे जाके क्रूज कंट्रोल लगा दोगे तो इट विल अंटिल एंड अनलेस यू प्रेस द ब्रेक एंड आपका तब तक क्रूज कंट्रोल से गाड़ी 80 के स्पीड पे चलती रहेगी। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आप यहाँ से देखोगे तो आपको लग रहा है कि ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो बीच में आता है क्या, उससे ड्राइवर का व्यू कुछ ब्लॉक होता है क्या, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो मेरा व्यू बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं हो रहा है। एडिशनली मुझे बोनेट दिख रहा है, और बोनेट दिखने से क्या होता है, इस फील की कंट्रोल में है मेरी गाड़ी। कुछ गाड़ियों का बोनेट नहीं दिखता है आपको तो आपको लगता है कि यू आर नॉट इन कंट्रोल, बट इसमें जब मैं जैसे नॉर्मली बैठा हूं तो मुझे गाड़ी का बोनेट दिख रहा है, तो आई ऑलवेज फील कि मैं पूरे कंट्रोल में हूं। ये जो रियर व्यू मिरर दिया है आपको सेंटर में, इसमें दो मोड्स है, एक नॉर्मल मोड है और एक गॉगल ग्लास है। तो रात के टाइम पे आप जब चलाओगे तो पीछे की गाड़ियों की जो हेडलाइट्स है वो आपके आंखों पे ज्यादा आएगी नहीं, क्योंकि ये गॉगल ग्लास मोड में ये हट जाएंगी आपके यहाँ से। फिर ये यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये दो लैंप्स दिए है, एक आगे की साइड भी है एक पीछे की साइड भी है, और वैनिटी मिरर भी दिया है इस गाड़ी में। आपको तो पता है यहाँ एक एयर बैग है और ये ड्राइवर साइड भी एक होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ, मतलब जिसके लिए हमने ये IMT HTK प्लस से HTX में जाने का डिसीजन लिया, विच इज इलेक्ट्रिक सनरूफ। तो अभी देखिए, दीप्ति को बहुत ज्यादा पसंद है सनरूफ। Yes, I love that. और ये इलेक्ट्रिक है, पहला आपको ओपन करना है और ये एक एक बटन बटन के साथ पुश होके आपका सनरूफ ओपन होगा, जहां से आप आपका पूरा मतलब ट्रिप्स वगैरह में व्यू एंजॉय कर सकते हो। सनलाइट, कहीं हिली एरियाज में रहते हो तो सनलाइट एंजॉय कर सकते हो। और ये है, साइज भी डिसेंट है इसका सनरूफ का, और वन पुश से आप इसको क्लोज भी कर सकते हो। सो और गाड़ी में रियर पार्किंग रियर व्यू कैमरा भी है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका, और विद ग्रीड लाइंस है कि आप जो आपको डायरेक्ट करेंगे पार्किंग के टाइम पे। और एडिशनली इवन आप रिवर्स मतलब पार्किंग नहीं कर रहे हो, रिवर्स गियर में नहीं हो और आपको रियर मिरर्स यूज नहीं करने, तो आपको यहाँ जाके यहाँ पे आप कीप रियर कैमरा ऑलवेज ऑन भी कर सकते हो। जब आप नॉर्मल गियर्स में भी आप गाड़ी चला पाओगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे रियर कैमरा का व्यू मिलेगा, जिससे आपको मिरर्स में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है कि पीछे का स्पेस कम है, आप देख रहे हो मैं इतना नॉर्मल अराउंड 5'10" का बंदा हूँ, लेग स्पेस भी है, अगर ड्राइवर की सीट भी थोड़ी पीछे आती है तो भी मुझे कोई इश्यू नहीं है, कम्फर्टेबली आई एम सिटिंग, हैंड रेस्ट है। तो आई वुड से कि नॉर्मली सारी गाड़ियों में जितना लेग रूम आपको मिलेगा पीछे, और दैट इज वेरी डिसेंट, और आपको कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपको स्पेस कम है या ऐसा है।
थोड़ा लोग बोल रहे विड्थ के बारे में, दैट आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि हम नॉर्मली दो ही बैठते हैं, तीन लोग मुझे तो लगता है आराम से कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। और एडिशनली फॉर दिस हम ये निकाले नहीं है अभी, न्यू गाड़ी है अभी इसलिए निकाला नहीं है हमने अभी, तो दिस इज द आर्म रेस्ट विच ओनली कम्स इन HTX मॉडल, HTK प्लस में नहीं आता है। तो आप इसको ऐसे नीचे लेके ये आर्म रेस्ट पीछे वालों के, अगर दो लोग बैठे हैं तो आराम से इसको आर्म रेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं गाड़ी के, कॉफी भी एंजॉय कर सकते हो आप। हाँ, यहाँ कॉफी होल्डर है, मतलब इसके बीच में पीछे भी रियर में भी एसी के वेंट्स दिए हैं, विच इसका कूलिंग भी डिसेंट, बहुत ही अच्छा कूलिंग है। और पीछे आपको मोबाइल होल्ड मोबाइल रखने के लिए की भी स्पेस है, चार्जिंग पोर्ट भी आपको दिया है, साइड में साउंड्स है, बॉटल होल्डर्स है जिसमें आप 1 लीटर की बोतल डिसेंटली रख सकते हो। यहाँ पे आपको होल्डर्स दिए हैं, पीछे भी एक आपको लैंप दिया है और इधर भी एक होल्डर है जो आप यूज कर सकते हो। सो गाइज, हमने अभी तक गाड़ी के पूरे फीचर्स कवर कर दिए हैं। अभी जो लोगों के कॉमन क्वेश्चंस हैं, कि बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो वो अभी कवर करेंगे हम। हेलो, अभी अभी तक हमने फीचर्स के साथ ही दो क्वेश्चंस के आंसर्स तो दे ही दिए कि परचेस एक्सपीरियंस हमारा कैसा था, वेटिंग लिस्ट में कुछ ऊपर नीचे होता है क्या, ट्रैकिंग रहता है क्या, दैट एंड पीछे का स्पेस के बारे में, तो दैट वी टॉक्ड अबाउट। बट कुछ और क्वेश्चंस हैं जो बार बार सामने आ रहे हैं, जब भी मैं किया सोनेट का ग्रुप है फेसबुक पे, वहाँ पढ़ता हूँ, ये उनमें जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी बात करें। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन सब सामने आ रहा है कि सेफ्टी के बारे में, लोग बोल रहे हैं निक्सॉन का 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है, या फिर मैग्नाइट ने भी टेस्ट किया है और वो भी उसका भी 5 स्टार रेटिंग आया है, सो किया नहीं वो टेस्ट अभी तक क्यों नहीं किया। सो गाइज, मतलब अगर सेफ्टी पे इंडिया में गाड़ियां बिकती तो मारुति कब की बंद हो गई होती। तो मतलब सेफ्टी इज नॉट अ फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ इंडियन बायर्स वाइल बाइंग अ कार, लेकिन फिर भी व्हाट आई एम सेइंग कि किया का भी वो टेस्ट होगा, और एडिशनली किया इज बिल्ट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज ऑफ ह्यूंडई, ह्यूंडई की ही कंपनी है, तो ह्यूंडई वेन्यू के रिलेट जैसा सेफ्टी है उसका, क्रेटा का जो सेफ्टी है वही इसका भी रहेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफ्टी डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव, सो मोस्टली डिफेंसिव ड्राइव करो, ऐसे सिचुएशंस में ही मत आओ कि जहां आपकी गाड़ी का सेफ्टी है। जैसे नेक्सॉन का 5 स्टार रेटिंग है सेफ्टी का, इसका मतलब ये नहीं ना कि मतलब आप किसी भी एक्सीडेंट में नेक्सॉन घुसा दोगे तो वैसे के वैसे आप सेफ रहोगे, इट डजेंट डिपेंड, गाड़ी सेफ है दैट वी एश्योर यू, लेकिन आप अच्छे से चलाओ कि ऐसे सिचुएशन में ही मत जाओ, तो दैट इज अबाउट सेफ्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोगों का पावर के बारे में, तो लोग पूछ रहे हैं कहीं पे भी रिव्यू कहीं पढ़ रहे हैं कि गाड़ी में पावर कम है, और मतलब हिली एरिया में इस मॉडल में हिल कंट्रोल नहीं है, फिर भी मतलब लोग बोल रहे कि बंद तो पड़ती है क्या, हिली एरिया में जा सकते हैं क्या। तो मेरा एक्सपीरियंस है, हमने गाड़ी निकालते ही कोकन में ही गए थे और सारे घाट से ही ट्रैवल किया है, तो कहीं पे भी हमारी गाड़ी बंद नहीं पड़ी, कहीं पे भी वो पीछे नहीं आई, और ऐसा कोई मतलब हमारा तो टर्बो इंजन है इसलिए तो और ज़्यादा कम्फर्टेबल है, 1.2 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन है वो भी बहुत पावरफुल है, तो ऐसा कहीं आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा कि उसका कहीं पीछे आ रही है, हिली एरियाज में जाने के लिए सेफ है या नहीं है, ऐसा कुछ मत सोचो, बहुत पावरफुल गाड़ी है और अच्छा एक्सपीरियंस ही है हमारा इसमें। सो टर्बो इंजन का क्या है कि जब भी इनिशियली इंजन ऑन करते हो आप, तो उसका आरपीएम रेट बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा नॉइज करता है, लेकिन जब इसलिए आपको क्या करना चाहिए टर्बो इंजन में, पहले दो गाड़ी जब आप ऑन करते हो तो 2 से 3 मिनट आइडल पे चलाना है, मतलब चलाना नहीं है, जस्ट इग्निशन ऑन करके रखना है, आप गाड़ी क्लीन करो कुछ भी करो, लेकिन 1-2 मिनट तक आपको गाड़ी को वैसे ही सिर्फ ऑन रखना है जब आरपीएम रेट उसका सेट हो जाए, तो विच इज बिकॉज ऑफ टर्बो इंजन। तो उस थोड़ा सा नॉइज लोग बोल रहे स्टार्टिंग में आता है, दैट इज बिकॉज ये इंजन टर्बो है और 2-4 मिनट में वो नॉइज नॉर्मल हो जाता है। और हाँ गाइज, मुझे एक्चुअली बहुत लोगों ने डीएम करके भी पूछा कि गाड़ी की कंफर्ट लेवल कैसा है, तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि हम लोगों ने मालवन से पुणे तक 12 घंटे या हमें 12 आवर्स लगे थे, लेकिन हाँ टेकिंग ब्रेक्स लाइक लंच ब्रेक, स्नैक ब्रेक, ब्रेक एंड चाय का भी ब्रेक लिया था, तो वैसे ब्रेक लेके लेके आ रहे थे हम और 12 आवर्स लगे थे, लेकिन कंफर्ट लेवल इसका माइंड ब्लोइंग है। एज मैं को ड्राइवर बैठी थी, लेकिन अच्छा लगा यार, बहुत कंफर्टेबल था, बहुत ज्यादा, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा कि यार कब से गाड़ी में बैठी हूँ मैं, ये वो बिल्कुल नहीं लगा। एक और कॉमन क्वेश्चन है लोगों का, जिसमें लोग बोल रहे कि किया का सस्पेंशन बहुत ही स्टिफ है, मतलब राइड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ऐसा कई रिव्यू में पढ़ रहा हूँ। तो उसका भी एक रीजन ये है कि जब भी आप शोरूम से नई गाड़ी निकालते हो तो उसका टायर प्रेशर शोरूम ने सेट किया है वो अबोव 40, सो 43-44 का टायर प्रेशर रहता है इनिशियली गाड़ी में,
तो आपको क्या करना है, अब जब थोड़ी गाड़ी चलाओगे आप, तो आपको टायर प्रेशर चेक करके उसको 34 से 35 करना है, थोड़ा कम करना है टायर प्रेशर, तो आपको बहुत ही स्मूथ राइड मिलेगी। तो ये जो टायर सस्पेंशन का इश्यू है आपका चला जाएगा। तो आपको इतना मतलब याद रखना है कि गाड़ी का टायर प्रेशर हमेशा 34 से 35 रहना चाहिए। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में तो बताओ, एवरेज, जो लोगों को बहुत ज्यादा ये हो रहा है कि एवरेज क्या है गाड़ी का। तो एवरेज के बारे में बात करेंगे तो मैं भी कहीं पढ़ रहा हूँ कि एवरेज किसी को 12 मिल रहा है, किसी को 15 मिल रहा है, कहीं कोई 20 का भी बता रहा है। हमारा एवरेज मैं बताता हूँ आपको। वी आर रिसीविंग अराउंड 15.12 का एवरेज ऑन हाईवे और 12.5-13 का एवरेज ऑन इन सिटीज। जो सर्विसिंग थी उसका एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत ही कमाल था, बता दो। तो मतलब फर्स्ट सर्विसिंग में ज्यादा इंजन वगैरह तो चेक नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल चेक्स और क्लीनिंग वगैरह में ज्यादा कुछ पैसे भी नहीं लगे। ओनली 50 रुपीज फिफ्टी का कुछ रुपीज चार्ज यस था। तो फर्स्ट सर्विसिंग वाज आल्सो गुड ओनली। या सो गाइस, सो मैं हम दोनों आपको बता रहे कि इससे अच्छी गाड़ी इस रेंज में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप कुछ लोग बोल रहे कि हमने वेट करके नेक्सॉन ले ली, कुछ बोल रहे हमने फोर्ड टाइटेनियम ली। तो मैं बोल रहा हूँ मत करो, 1 महीना वेट करो, आगे के 10 साल आपको गाड़ी चलानी है, तो या इट इज वर्थ द वेट। इस सेगमेंट में इससे अच्छी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। सीरियसली गाइस, जितना भी वेट करोगे ना, जब आप गाड़ी आएगी या मतलब घर पे आएगी आपको, तो ऐसा नहीं लगेगा कि वो जो वेटिंग पीरियड होगा ना, वो वर्थ होगा आपके लिए। सो जस्ट सो स्टे ट्यून्ड, आगे का वीडियो हमारा इज अबाउट आवर कोकन ट्रिप का व्लॉग है, उसको भी लाइक करते रहो, जुड़ते रहो। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट्स में लिख दो, वी विल पर्सनली आंसर टू दैट क्वेश्चन। या यस या सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इफ यू लाइक टूडेज वीडियो, देन हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और लाइक भी प्लीज। करो, शेयर भी करो, कि अभी यस डिमांड में है, सबको क्वेश्चंस है, सबके साथ शेयर करो। और सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं आज मिले आपको हैं तो मिल हमें आप बताओ कमेंट्स में यस कि और आपको मिल कुछ चाहिए। जाएंगे। सो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।